मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ना मैं दिल्ली मेट्रो में बहुत घूमता हूँ। तो रिसेंटली मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं ट्रेन के अंदर था, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी, दरवाजे खुले, जैसे दरवाजे बंद होने वाले थे ना, बाहर से बुड्ढे अंकल भागते हैं और उन्होंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया मुझे, गुड़गांव जाएगी, गुड़गांव, अरे गुड़गांव, गुड़गांव, अरे निकल जाएगी यार, जल्दी बताओ, गुड़गांव, गुड़गांव। मैं हाँ यार, ट्रेन नोएडा जा रही थी, प्रेशर बनाया, मैं मना ही नहीं कर पाया उनको। मैंने कहा इनको 2 घंटा उल्टा भेज देते हैं, ठीक है, इनको मना किया, यही हार्ट अटैक है, यही मरवरा जाएंगे, क्योंकि रिजेक्शन सह नहीं पाएंगे जिस तरह का एटीट्यूड मुझे दिखा रहे हैं अंकल। ना सुनने के मूड में आए नहीं थे वो अंकल, और गुड़गांव गुड़गांव करते ना, लोगों ने निकल जाता, अंकल नोएडा जा रही है, पर आप ले जाओ गुड़गांव यार, आपका कष्ट नहीं देखा यार हमसे, प्लीज इतना प्रेशर मत डालो यार। एमले उस टाइम वो कुछ भी बोलते, मैं हाँ बोल देता यार, सुनो मेरी बेटी शादी करोगे, मांग ली क्या, मांग ली, हाँ अंकल, शनि मेरा भी भारी है, दोनों मिलके मनुष्यत्व फैलाएंगे, पर आपको मना नहीं करेंगे अंकल। परसों मैंने ना कपल देखा मेट्रो में दिल्ली में, ये वो कुछ लड़के नहीं होते जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके एक्स्ट्रा पोजेसिव होते हैं, कि इसको प्रोटेक्ट करना सिर्फ मेरा काम, ना दुनिया में कोई, ना ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, इसको सिर्फ मैं ही प्रोटेक्ट करूंगा। वो बिना बाप के बाउंसर के कैरेक्टर में घूमता रहता ना ऐसे ऐसे, उसकी मेट्रो में एंट्री भी ऐसी, दरवाजा खुले, टिंग टिंग, दरवाजे पे खड़ा करता है, और उसके अराउंड ना फोर्ट्रेस बना के खड़ा हो जाता है, पूरा बैठ देके दरवाजे पे, कोई घूर ना ले मेरी बंदी को, जान से मार दूंगा, बहुत कुत्ती चीज हूं मैं। ये इतने कैरेक्टर में होता है, यही भूल जाता है अगले स्टेशन पे यही दरवाजा खुलने वाला है। हम बताना चाह रहे कि भाई साहब गिर जाओगे, लगभगा जाएगी, लेकिन इतना इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर सबकी फटी पड़ी है। तो ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई कि यात्री कृपया ध्यान दें, अगले स्टेशन पे दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, एंड वे लाइक भूतनी के सुन ले, तेरे लिए हो रही अनाउंसमेंट। कुछ बड़े कंजर्वेटिव कपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बंदी को ना मेट्रो के लेडीज कोच में भेजते हैं, खुद सेकंड कोच में जाता है, और दोनों डब्बों के इंटरसेक्शन पे मिलते हैं। वो एक मेट्रो का हिस्सा ऐसे से नहीं हिलता रहता जो हमेशा